खिलाफ मुकदमा दर्ज करन ले बसपा ते अकाली दल ने दिता एसएसपी नूं मंग पत्र। एससीबीसी अध्यापक यूनियन ने करता ऐलान, चोणां दौरान पिंडां च नहीं वड़न देंगे कांग्रेसी मंत्रियां ते विधायकां नूं। अमृतसर च घर च इकल्ली औरत दी गला कुट के कीती हत्या, घर चों नकदी ते गहने गायब। नैशनल हाईवे सरहिंद नेड़े पिंड सैदपुरा कोल यूपी तों लुधियाणा आ रही प्रवासी मजदूरां नाल भरी बस पलटी, 18 लोग होए जख्मी। आओ नजर मार लेंदे हां कुछ विस्तार दे नाल इन्हां खबरां ते। सब तो पहलां गल करांगे अमरनाथ यात्रा दी, जो कि इस साल भी रद्द कर दित्ती गई है। दस दें कि पिछले साल भी कोरोना दे चलदे अमरनाथ यात्रा नूं रद्द कर दित्ता गया सी, ते इस बार भी जम्मू कश्मीर प्रशासन दे वल्लों वड्डा फैसला लिया गया है कि कोरोना दे चलदे इस साल भी अमरनाथ यात्रा रद्द कर दित्ती है। हालांकि जो श्रद्धालु ने ओह ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है कि अमरनाथ यात्रा इस साल भी रद्द कर दी गई है। जी हाँ, कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति नूं वेखदे हुए इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। दस दें कि पिछले साल भी कोरोना महामारी कारण अमरनाथ यात्रा रद्द करनी पई सी। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा नूं रद्द करन दा फैसला लिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों की सेहत का ध्यान रखना साड़ी पहली तरजीह है। हालांकि श्रद्धालु 28 जून तो बाबा बर्फानी दे ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। पवित्र गुफा तो बाबा बर्फानी दी आरती दा प्रसारण किया जाएगा। पिछले साल वांग छड़ी मुबारक यात्रा नाल सिर्फ रिवायती पूजा ही होगी। दस दिए कि हिमालय दे ऊंचाई वाले हिस्से विच 3,880 मीटर ऊंचाई ते स्थित भगवान शिव दे गुफा मंदिर ले 56 दिना यात्रा 28 जून नू पहलगाम अते बालटाल मार्गा तो शुरू होनी सी अते यात्रा 22 अगस्त नू खत्म होनी सी, पर हुन अमरनाथ यात्रा रद्द कर दिती गई है। जी हाँ, इस वक्त दी वड्डी खबर है, टीवी एनआरआई अपने दर्शकों दे लई लेके आया है कि अमरनाथ यात्रा रद्द कर दिती गई है। असीं सारे जानते हैं कि बसपा ते अकाली दल दा पिछले दिन ही गठजोड़ होया है, ते हुन अकाली दल ते बसपा वल्लों इकट्ठे मिल के एसएसपी नूं इक मंग पत्र दिता गया तां जो रवनीत बिट्टू खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जावे। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी दे सांझे वफद वल्लों लुधियाना तो कांग्रेस पार्टी दे संसद मैंबर रवनीत बिट्टू खिलाफ सीनियर पुलिस कप्तान रूपनगर नूं इक लिखती शिकायत दे के कार्रवाई करन दी मंग कीती गई है। दरअसल मामला कुछ दिन पहलां दा है, जदों आम आदमी पार्टी ते बीएसपी दे वल्लों किते समझौते दे तहत चोणां लड़न दे लई श्री चमकौर साहिब अते आनंदपुर साहिब विधानसभा हलके बीएसपी नूं दे दित्ते गए। अते इस ते टिप्पणी करदे होए कांग्रेस दे एमपी रवनीत बिट्टू ने कहा सी कि अकाली दल दा हुण इन्ना माड़ा हाल हो गया कि श्री आनंदपुर साहिब ते चमकौर साहिब दीआं पवित्र सीटां बीएसपी नूं दे दित्तियां ने। इस तो बाद ही बीएसपी अकाली दल अते दलित भाईचारे दे वल्लों लगातार रवनीत बिट्टू दा विरोध किया जावे अते पंजाब भर दे विच जिला पुलिस मुखियां नूं रवनीत बिट्टू दे खिलाफ कारवाई दे लई मंग पत्र दित्ते जा रहे ने। रोपड़ दे एसएसपी नूं रवनीत बिट्टू दे खिलाफ कारवाई करन लई मंग पत्र देण दे बाद प्रेस नूं जानकारी दिंदे सीनियर अकाली आगू परमजीत सिंह मक्कड़ अते बहुजन समाज पार्टी दे जिला प्रधान मास्टर रामपाल अभियाना ने की कहा, आओ जानदे हां। मैं मास्टर रामपाल अवियाना, जिला प्रधान बहुजन समाज पार्टी रोपड़। पिछले दिन जिहड़ी एक वीडियो वायरल हुई है रवनीत बिट्टू जी जिहड़े कि साडे मैंबर पार्लियामेंट हैं, उन्हें उस वीडियो दे विच उन्हां ने यह गल कही कि जिहड़ी श्री आनंदपुर साहब और श्री चमकौर साहब की विधानसभा दीआं सीटां हैं, श्रोमणी अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी नूं यह पवित्र सीटां जिहड़ियां दित्तियां गईआं यह गलत हैं, और उहदी जाति मानसिकता जिहड़ी आ उहनां दी जग जाहर होई है। अज बहुजन समाज पार्टी अते श्रोमणी अकाली दल वल्लों पंजाब दीआं 117 विधानसभा विच मेमोरेंडम दित्ता जा रहा है कि इस रवनीत बिट्टू की मैंबरी जिहड़ी है लोक सभा की खत्म की जावे, अते उस दे उत्ते SC ST एक्ट अते धार्मिक खेतर विच जिहड़ी उहनां ने मतलब गल कही है, इस करके उहदी मैंबरी खत्म करन दे नाल नाल उहनां नूं सलाखां दे अंदर ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ
बहुजन समाज पार्टी को दिखाई गई हैं वो बारे में उन्हें जो वर्डिंग बोली है और जो वो सोशल मीडिया से कैसेट जी है वो वायरल हुई है वो उन्हें बहुत ही आपत्तिजनक इतराज़ योग जो शब्द है वह वरते हैं और उस संबंध में अज असी श्रोमणी अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के हलका रोपड़ के अहदेदार एस एस पी रूपनगर उन्होंने खिलाफ़ कंप्लेंट कर आए हैं उन्होंने खिलाफ़ परचा दर्ज किया जाए। की मांग की जा रही है? असं यही मांग करते हैं कि उन्होंने खिलाफ़ धार्मिक भावनावान भड़का और एस सी एस टी एक्ट का जो परचा दर्ज किया जाए। रूपनगर तो सज्जन सिंह सैनी की रिपोर्ट के नाल दी टीवी एन आर आई। एसईबीसी अध्यापकों वालों काफ़ी लंबे समय तो प्रदर्शन किया जा रहा है पर उन्होंने कोई भी सार नहीं लिती जा रही सरकार के वालों जिस करके हुण उन्होंने वालों पंजाब सरकार के विरुद्ध एक वड्डा फैसला लिया गया। उन्होंने एक वड्डा ऐलान कर दिता। दस दे कि उन्होंने कहना है कि कांग्रेसी विधायकों असं अपने पिंड च वड़न नहीं देंगे। अपनियां वख-वख मंगां नूं लैके जिथे पंजाब भर दे विच एसईबीसी अध्यापक यूनियन वालों सरकार दे पुतले फूके गए ने उत्थे ही जिला रूपनगर दे विच एसईबीसी यूनियन वालों मुख्यमंत्री पंजाब अते एमपी रवनीत बिट्टू दे पुतले फूके गए। सरकार दे खिलाफ तिखा रोस प्रदर्शन भी अध्यापकां वालों कीता गया। सरकार खिलाफ पिछले लंबे समय तों अपनियां मंगां नूं लैके संघर्ष करदे आ रहे एसईबीसी अध्यापक यूनियन दे वालों महाराजा रणजीत सिंह बाग दे विच धरना दिंदे हुए कांग्रेस सरकार दे खिलाफ जम के नारेबाजी कीती गई। इस तों बाद अध्यापकां दे वालों मुख्यमंत्री अते एमपी रवनीत बिट्टू दे पुतलियां दे नाल रणजीत सिंह बाग तों बेला चौंक तक सड़क ते रोस रैली कीती गई। आओ जानदे हां इस मौके पत्रकारां दे नाल गलबात करदे हां अध्यापक यूनियन दे आगुआं दा की कहना है। रूपनगर तों सज्जन सिंह सैनी दी रिपोर्ट दे नाल दी टीवी एन आर आई। की नाम है सर? मेरा नाम जतेंद्र सिंह है जी। अच्छा जिहड़ा अज प्रोटेस्ट किया गया अगर मंगा नहीं मनिया जांदी तां आने वाले दिनों दे विच किस तरह विरोध रहेगा तुहाडा जी? सर असीं पिछले लंबे समय तो पहला तहसील लैवल ते साडे पंजाब दी जो जथेबंदी आ उहदे सनेह ते असीं पहला तहसील लैवल ते सरकार दा घराओ कर चुके हाँ। उस तों इलावा बाद अज जिला पद्धर ते असीं जो संघर्ष अपना लिखिया हुआ सी हुण असीं स्टेट पद्धर ते इक तकड़ा एक्शन देवांगे जेकर साडियां मंगां जिहड़ियां लागू ना कीतियां। किसान यूनियन वल्लों सियासी पार्टियां दा विरोध कीता करदे होए कहा गया कि पिंडां दे विच इहनां नूं वड़न ना दित्ता जावे, किवें देखी ऐसी विचार? किसान जथेबंदियां दा इक अपना इक एजेंडा है, अपना एक लड़ाई दा मोटिव आ। उन्होंने काले कानूनां नूं रद्द करन लई संघर्ष लिखिया होया। उन्हां दा जिवें उन्हां ने बयान आ रहे हैं कि सियासी लीडरां नूं जो अपने इलाके दे विच नहीं वड़न देणगे। असीं साडा जिहड़ा प्रोग्राम आ थोड़ा अलग किस्म दा क्योंकि मुलाजम जथेबंदियां वल्लों पे कमीशन के ख़िलाफ़ एक पुरानी पेंशन ना लागू करन दे ख़िलाफ़ जो कल परसों एजेंडा जो सरकार ने रखे उहदे ख़िलाफ़ ते आने वाले समय के विच जिहड़ा DSP उन्होंने लगा रहे हैं बड़े अहुदियां ते लगा रहे हैं विधायकों के पुत्रां नूं जिन्हां नूं जो अजे तक जम्मे भी नहीं सीगे ते जिहड़े साडे शहीद बैठे आ उन्हां नूं लगौणियां नौकरियां दे के उन्हां नूं पासे किया जा रहा। असीं उसके ख़िलाफ़ अपने लोगों के ख़िलाफ़ वजीफियां दे जो वजीफे नहीं दिते जा रहे उन्हां दे ख़िलाफ़ असीं मंत्रियों का तो कैबिनेट मंत्रियों का विधायकों का उन्होंने घर के बाहर पिट स्यापा करा जी। नहीं अगर थोड़ी मंगा नहीं मनिया जाए फिर क्या पिंड मंगने वास्ते जिते भी साडा मुलाजम वर्ग बैठा है जी वो लगातार इस संघर्ष के नाल जुड़िया होया ते सानू लगता है भी जिते जिते भी साडा मुलाजम भाईचारा बैठा है वो इन्हां मंत्रियों को सवाल जवाब जरूर करेगा इन्हां मंत्रियों तो पुछगिछ जरूर करेगा कि उन्होंने इस भाईचारे के बारे किया की है उन्होंने लिए। हाँ जी सर, मैं गुरप्रीत सिंह मरिंडा ब्लाक प्रधान मरिंडा SEBC अध्यापक यूनियन वालों अज असं इतने आए हाँ। साढ़े समाज दिया मंगा ने जी पहला तो जी 85वीं संविधानिक सोध लागू करन दी आ, चाहे वह बैकलॉग दी पोस्ट है जो बैकलॉग का कोटा भरन दी आ जी, चाहे वह 10/9/14 जो संविधानिक पत्र गैर संविधानिक पत्र आ जी उन्हों लागू रद्द करवाउण दी आ जी। साडिया जिन्नियां भी संविधानिक मंगा ने जी उन्हां नूं लागू करवाउण दी, ते इस तों इलावा साडे जिहड़े कच्चे अध्यापक साडे कई दिनों तो सड़कों के उत्ते रुल रहे हैं, इस तो अलावा बेरोजगार अध्यापक साढ़े टावर के उत्ते टैंकियों के उत्ते बैठे ने उन्होंने भर्ती करवाउण ते पक्के करवाउण की साडी मंग आ। साडे पेंशन पुरानी पेंशन जिहड़ी हैगी आ सरकार ने बंद की हुई आ उन्हों लागू करवाउण की साडी मंग शामिल आ जी। उस तो अलावा साडे विद्यार्थियों दी मंगां जिहड़ियां साडियां वजीफे दी मंगां ने जी, वजीफे दे जिहड़े बकाया राशियां ने वह जारी किए जाण तां जो जिहड़ा विद्यार्थियों का जिहड़ा भविख आ उज्जवल हो सके, हनेरे च जाण तों बचाया जा सके। हाँ जी सर, की नाम है जी?
जी परविंदर भारती जिला प्रधान। अज इत्थे पंजाब सरकार परसोनल विभाग अते रवनीत बिट्टू जो कि एम पी हैगे है उन्हां दा पुतला फूकिया गया है। रवनीत बिट्टू का पुतला फूकण का कारण पिछले दिन उन्हां वल्लों साडे समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी है जिस विच उसने समाज नूं असिद्धे तौर पर अपवित्र करार दिता है जो कि ना तो साडे पंजाब दे विच जिथे गुरुआं दी ओट दे सारे पूरा पंजाब जी रहा पूरी दुनिया जी रही है ना तो उस अनुसार सही है ना इस देश के संविधान अनुसार उसकी टिप्पणी सही है। जेकर रवनीत बिट्टू ने समा रहिंदे समाज तो अपने शब्दों के लिए माफ़ी ना मंगी तो इस संघर्ष को होर तेज़ किया जाए। नैशनल हाईवे पिंड सैदपुरा कोल एक वड्डा हादसा वापर गया। दस दें कि यूपी तो लुधियाना आ रही प्रवासी मजदूरों की बस पलट गई और यह बस पलटन तो बाद चलती गड्डिया दे विच जा टकराई जिस कारण 18 लोग जख्मी हो गए ने। नैशनल हाईवे सरहिंद नेड़े पिंड सैदपुरा कोल एक वड्डा हादसा वापर गया। दरअसल यूपी तो लुधियाना आ रही प्रवासी मजदूरों के नाल भरी बस पलट गई ते दो कारां विच जा टकराई जिस दौरान औरतां समेत 18 व्यक्तियों के जख्मी होने की खबर है जिन्हां नूं वख-वख हस्पतालां दे विच इलाज लई भर्ती करवाया गया। उत्थे पुलिस मौके ते पहुंची अते मामले की जांच की जा रही है। नैशनल हाईवे पिंड सैदपुरा नेड़े तकरीबन सवेरे 5:30 वापरिया। ये दो कारां खड़िया सीगियां रोड दे उत्ते अपने मान लो वाशरूम वगैरह करने वास्ते रुके हुए सीगे तां प्रवासियों की भरी हुई एक बस पिछों आई। वो जिहड़ा ड्राइवर सीगा उसकी पता नहीं अचानक अख लगी है कि होया लेकिन वो पिछों आके इन्हां दोनों गड्डियों दे विच वजी जिस कारण यह हादसा वापरिया। इस विच तकरीबन 18 सवारियां जख्मी हुई हैं जो इलाज लई जिन्हां नूं सिविल हस्पताल फतेहगढ़ साहब विखे दाखिल करवाया गया। बाथरूम गए सी ते गड्डी दे अगे गड्डी लगी हुई सी पिछे बस वाला आया सानूं पता ही नहीं लग्या मतलब 2 सेकंड के अंदर ही बस वाले ने गड्डी गड्डी मारी पाए। पिछे करेटा गड्डी सी अगे बलिनो गड्डी सी मैं बलिनो दे अंदर बैठा सी और ब्रदर पिछे सी वो करेटा गड्डी बैठा सी नाल बच्चे सी 8 बंदे सी 2 गड्डियां 'च। किन्नियां कु सट्टां लगियां ते साढ़े मतलब 2 बच्चों को ज़्यादा सट्टा लगियां पटियाले एडमिट कराया हॉस्पिटल कोलंबिया हॉस्पिटल। की नाम से उन्होंने नाम हैगा एक का नाम तो है मनजोत एक का नाम है रमनजोत। कितनी उम्र है उन्होंने? एक 10 साल का है एक 21 साल का बेटा। कितने जा रहे थे? अभी दरबार साहब जा रहे थे। तो तुसी गड्डी दे विच बैठे रुके सी इत्थे की? हाँ भाई रुके सी बच्चे ना बाथरूम करन गए सी ते इत्थे कोई कट है नहीं सी इस करके गड्डी रोड ते खड़ी करनी पै गई और इंडिकेटर जला के खड़ी की थी सी। मतलब कि हाईवे दी लापरवाही नाल होया एक्सीडेंट? हाँ जी। तो बस के अंदर घट्टो घट 100 सवारी सी और सवारियों से असं पूछा तो गोरखपुर तो बस आ रही थी तो जिते गोरखपुर से चलिया उत्थे वो कह रहे ड्राइवर उत्थे दारू पींदा आ रहा सी। तो जब तक असी सानू होश आया ड्राइवर कंडक्टर कोई नहीं मिलिया सवारियां छड़ के वो चला गया भज गया ड्राइवर। बिपिन भारद्वाज की रिपोर्ट के नाल TVNRI। अमृतसर की गल करांगे जिथे एक इकली औरत दे घर दे विच कुछ अणपछात्यां दे वल्लों गला घुट के हत्या कर दी गई है। दस्या जा रहा है कि शाम करीब 4 बजे यह महिला जो है घर दे विच इकली सी अते कुछ अणपछात्यां दे वल्लों इसका गला घुट के कतल कर दिता गया है अते घर दे विचों नकदी ते गहने गायब ने। अमृतसर दे थाना कंटोनमेंट अधीन आउंदे इलाका गुरु नानक वाड़ा च एक औरत दी गला घुट के हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी अनुसार सुरजीत कौर घर विच इकली सी जबकि उसका पति रेलवे स्टेशन नेड़े अपनी साइकलों की दुकान ते गया होया सी। शाम 4 बजे के करीब नौकरां ने काम करन लई आई तां उसने घर का दरवाजा खुलिया वेख्या। जदों वो घर के अंदर गई तां घर अंदर सुरजीत कौर की लाश पई हुई सी जिस नूं किसी ने दुपट्टे नाल गला घुट के मार दिता सी। उस वल्लों रोला पाउण ते मुहल्ले दे लोक इकट्ठे हो गए अते पुलिस ते मृतका दे पति नूं सूचित कीता गया। घटना दी सूचना मिलदे ही पुलिस मौके ते पहुंची अते मामले दी जांच शुरू कर दित्ती है। उत्थे ही परिवार तों मिली जानकारी अनुसार घर तों गहने ते नकदी गायब सी। आओ जानदे हां इस मौके स्थानक लोकां दा की कहना है। ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਨੌਕਰ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 6:30 ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ? ਇਹ 6:30 ਆਉਂਦੀ ਕੁੜੀ ਨੌਕਰ ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।
ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਰਹਿਣੇ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਖਲੋਤਾ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡੇਲੀ ਨੀਡ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 73 ਈਅਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਬੇ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ 6 ਕੁ ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਪਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ ਤਾਂ ਸੇਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਕੁਛ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਕੁਛ ਗਹਿਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਟਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ TVN ਰਾਏ ਸੋ ਐਦਾਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ TVN ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ